ओके जी, तो हमारी बात चल रही थी रिगार्डिंग द सिंगल एरिया ओएसपीएफ डिप्लॉयमेंट। इसका अर्ली सेशन हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, ड्यूरिंग द सेशन ब्रेक जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि जी कंटेंट थोड़ा सा उनको ब्लर लग रहा था। तो इफ यू फील दैट काइंड ऑफ इश्यू तो सभी से कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो काइंडली ऑन द राइट स्पॉट जो है ना आप मैसेज किया करें, रेस योर हैंड, और अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो ड्यूरिंग द सेशन जो है ना आप उसे बोल सकते हैं ताकि हम उसको जो है वहीं पर ओवरकम किया जाए, ठीक है ना। और जी जी जिब्रान जी, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो वीडियो कॉल पे जो है ना वीडियो के सेशन के साथ उनके पास कुछ बैंडविड्थ का इशू था, सो दैट्स व्हाई हमने उसके बगैर ही कंटिन्यू किया क्योंकि हम सेशन को पेंडिंग में नहीं डाल सकते थे, ठीक है जी। तो आई होप दैट कि जी अब कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी इशू होगा तो ड्यूरिंग द सेशन ही आप जो है बिल्कुल एक क्लास के एनवायरनमेंट की तरह से जो है ना आप अपनी क्यूरी कर सकते हैं, कोई ऐसे उसमें इशू नहीं, ठीक है जी। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। टॉपिक हमारा चल रहा था ओएसपीएफ का, और ओएसपीएफ के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं, आई होप दैट, क्योंकि मेरे पास उस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब हम जाएंगे इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की कमांड्स हम देख लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के तमाम जो जो लैब सिनेरियोज हैं वो मैंने प्रीवियस सेशन के भी जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS उस पर जो है अपलोड कर दिए हैं, तो काइंडली उसको भी आपने सबमिट करवाना है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द मॉड्यूल। सेकेंड थिंग इज दैट के जो हमारा OSPF का सेशन होगा उसमें हम डेफिनेटली लैब्स परफॉर्म करेंगे, तो लैब का जो स्टडी डॉक्यूमेंट है और जो सिनेरियो डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने आप सबको ईमेल कर दिया था, तो काइंडली उसको भी आपने रिव्यू करना है आफ्टर द सेशन। सो यहाँ पर हमने उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ डिप्लॉयमेंट की कमांड्स भी देखनी है ताकि जब हम लैब के अंदर उस डॉक्यूमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो हमें सच कोई इशू ना आ रहा हो, ठीक है जी। डायग्राम हमारे पास मौजूद है, और डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरिया जीरो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ऊपर टॉप पर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि सिंगल एरिया हमारे पास चल रहा है, और इस एरिया की जो नेटवर्क डायग्राम है वो हमारे पास मौजूद है। ये देखें, एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि ये डायग्राम जिस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ ड्यूरिंग द लैब्स भी, क्योंकि प्रीवियस भी जो लैब्स हमने परफॉर्म की थी उसमें हम फोकस थे, उसका मेन रीजन ये है कि जब कभी भी आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि आपके पास नेटवर्क डायग्राम्स नहीं होंगी तो हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, हाउ यू कैन डिजाइन। तो वहां पर भी पहले डायग्राम बनती है, डायग्राम के बाद फिर उसका डिजाइन का डॉक्यूमेंट बनता है, डिजाइन के डॉक्यूमेंट के बाद फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल सके हमारे पास प्रोजेक्ट की कंप्लीट डेडलाइंस हो कि हमने प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट करना है, किस फेज के अंदर क्या चीजें होनी है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपने ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं कंसिडर करना है, बल्कि जब इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा होगा तो डेफिनेटली इन इन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सेकेंड थिंग इज दैट के जब हम इस राउटिंग के मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट मॉड्यूल की तरह से, जैसे हमने इंडस्ट्री से रेलेवेंट कुछ 5 to 6 सिनेरियोस किए थे कि इंडस्ट्री के अंदर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा होता है, और जब आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर काम किस तरीके से चलता है, तो बिल्कुल सेम वही फोकस हमारा होगा ओएसपीएफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, राउटिंग स्विचिंग के जो राउटिंग के जितने भी हमने अब तक टॉपिक्स कवर किए उन तमाम के हवालों से कि हम इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के सिनेरियोज को लाजमी देखेंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होगी, इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस कैसे होंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो डायग्राम हमारे पास मौजूद है एरिया जीरो के साथ। अच्छा, डिफरेंट सबनेट्स हमने लिए हैं, ठीक है ना, सबनेटिंग हमने की हुई है, उसकी वजह यह है कि हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि हमारे पास ओएसपीएफ चल रहा है क्लास लेस एनवायरमेंट के अंदर, और ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो है L0 के नाम से जो है एक इंटरफेस डिफाइन है, और वहां पर हमने एक ISP को मेंशन करवाया हुआ। डेफिनेटली लैब एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि ISP हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, ऑल दो हम जब फाइनल लैब की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहां पर तो अवेलेबल होता है,
लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक इंटरनेट के सेशन को हमने लूप बैक इंटरफेस से शो करवाया। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि ये लूप बैक इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। लेकिन लूप बैक इंटरफेस का आप थोड़ा सा आइडिया ये ले लें कि ये एक ख्याली इंटरफेस है, ये आपने वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया है, ये एग्जिस्ट तो नहीं करता लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने क्रिएट किया है और उसी को आप यूटिलाइज करते हैं कि जी ये हमारी ISP कंसिडर कर ली गई है। तो उसको हमने इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया है और हमारे पास जो है 3 राउटर्स मौजूद हैं और उनके डिफरेंट सीरियल इंटरफेसेस हैं, गीगा नेट के इंटरफेसेस हैं, उनकी हमने डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन के सिनेरियोस को थोड़ा सा डिस्कस करना। अच्छा जी, ये देखिएगा फर्स्ट स्टेप, जब हम राउटिंग एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, ठीक है ना। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जब आप चले जाएंगे तो वहां पर आपने एक सिंपल सी कमांड दे देनी है, राउटर OSPF 10 या ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 65535 तक के कोई भी नंबर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। राउटर यानी हम इस राउटर पर क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, OSPF इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और 10 क्या है, 10 बेसिकली तौर पर इस कंपनी के लिए OSPF का एक आइडेंटिकल नंबर है, इसको आप ऑटोनोमस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है जी, और इसको आप जो है प्रोसेस ID भी कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास एक राउटर पर ये पॉसिबल है के मल्टीपल OSPF की प्रोसेस IDs चल रही हूँ, यानी ये हो सकता है कि हमने जो OSPF है उसकी जो राउटर हमारा कनेक्टेड है वो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो कुछ का नेटवर्क 10 का चल रहा हो, कुछ का 20 का चल रहा हो, कुछ का 30 का चल रहा हो, तो राउटर ने हर एक नेटवर्क के लिए एक इंडिविजुअल डेटाबेस, एक इंडिविजुअल राउटिंग टेबल, एक इंडिविजुअल टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो OSPF की प्रोसेस आईडी है वो मेंशन करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग यकीनन लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप मशीन्स यूज करते हैं, तो वो जब टास्क मैनेजर के अंदर जाते हैं ना तो टास्क मैनेजर के अंदर आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस रन होती हुई नजर आ रही होती है। अब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि जी क्रोम चल रहा है, MS ऑफिस चल रहा है, या बाकी जो नेटवर्क से रेलिवेंट एप्लीकेशंस है या ग्राफिक्स से रेलिवेंट एप्लीकेशंस है वो चल रही है, और साथ में थोड़ा सा अगर आगे जाके आप देखेंगे तो वहां पर भी प्रोसेस आईडी आ रही होती है। तो एप्लीकेशन का नाम itself यूजर के लिए होता है ताकि उसको पता चल सके कि ये वाली एप्लीकेशन चल रही है, वाइल जो यूनिक आईडी होती है किसी भी प्रोग्राम की, जो प्रोसेस आईडी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके कि मेरे पास कौन सी एप्लीकेशन किस प्रोसेस आईडी पर चल रही है। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर हमने यूज किया है और ये तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ यूज हो रहा होता है। तो हमने राउटर OSPF 10 किया या 20 या 30 या व्हाटएवर कोई भी नंबर 0 से लेके 65535 तक आप यूज करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एंटर करते साथ ही आप इन हो जाएंगे OSPF के इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल के अंदर, यानी आप ऐसे एरिया के अंदर चले जाएंगे। अगर आप कमांड पर यहाँ गौर करेंगे तो पहले आप कहाँ थे, कॉन्फ़िगरेशन पर थे, ठीक है ना, और नीचे आकर अगर आप देखेंगे तो फेज बिल्कुल क्या हुआ है, चेंज हुआ है, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से हटकर कहाँ चले गए, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड की तरफ चले गए, और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि यहाँ पर आप OSPF इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड कमांड हमने क्या इंप्लीमेंट की, सेकंड कमांड हमने इंप्लीमेंट कर दी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल का जब जवाब आ जाता है तो आपको आपकी जो कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है। अब कभी कभार होता है इंडस्ट्री के अंदर कि आप किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पर काम कर रहे थे और आप कमांड दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कमांड जो आपकी नेटवर्किंग की डिवाइस है, इट माइट बी अ स्विच, इट माइट बी अ फायरवॉल या व्हाटएवर राउटर हो सकता है, वो कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। अब कैसे आइडेंटिफाई हो कि वो कमांड इस एरिया के लिए है या नहीं है, तो जब आप क्वेश्चन मार्क देके एंटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस एरिया के अंदर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन के एरिया के अंदर अब आप पहुंचे हैं, यहाँ पर ये सारी कमांड्स इंप्लीमेंट हो सकती हैं, तो आपको सुकून हो जाएगा। अब आपने देखा कि जब मैंने क्वेश्चन मार्क दिया तो उसने कहा जी OSPF के साथ आपके पास ये 6 कमांड्स अवेलेबल हैं जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं, तो ये हेल्प के लिए भी है। और जाहिर सी बात है कि जब आप आगे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जा रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी कमांड्स आपकी डेली रूटीन में होती हैं
और कई दफा ऐसा होता है कि 6 महीने साल तक एक कमांड से आपका पाला ही नहीं पड़ता। तो अगर आपको राउटर से कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो फिर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो राउटर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइडलाइन दे देता है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास OSPF की इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज कॉल्ड राउटर आईडी। ये कॉन्सेप्ट भी आपने समझना है और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए जी, जब कभी हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, ये प्रीवियस आपको नेटवर्क डायग्राम दिखाई थी, ये देखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, R1, R2, R3 हमने राउटर्स को क्या दे दिए, नाम दे दिए। ये नाम हमने क्यों दिए, जब कभी हम अपने डेटा सेंटर में जाएंगे ना, और आपको हर राउटर पर, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता भी है कि हर राउटर के टॉप पर जो है ना एक ऐसे टैग लगा हुआ था, उसको बताया जाता है कि जी ये हेडक्वार्टर्स का राउटर है, ये ब्रांच का राउटर है, ये VPN के लिए यूज हो रहा है, ये इंटरनेट के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पर हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, तो हर एक डिवाइस पर आपने नाम लिख दिया ताकि जब कभी भी आप आए तो आपके लिए उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो नाम बिल्कुल ऐसा ही जरूरी है आइडेंटिटी के लिए, जैसा कि हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के अंदर देखते हैं कि हर बंदे का अपना क्या होता है, एक नाम होता है, और उसी नाम से आप उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसी नाम से आप उससे हेलो हाई करते हैं, उसी नाम से आप उससे क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। अब इस राउटिंग एनवायरमेंट के अंदर राउटर्स ने आपस में क्या करना है, हैंडशेक करना है। हमने कहा था प्रीवियस हम पढ़कर आए कि जी नेबरिंग रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है जी। तो अब वो नेबरिंग रिलेशनशिप कैसे बनेगा, वो सामने वाले राउटर को पहचानेगा, उसका नाम उसे पता होगा, तो उससे हेलो हाय करेगा, चिट चैट करेगा, और उसके बाद ही फर्दर नेबरिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, राउटिंग टेबल एक्सचेंज होंगे, और ये राउटिंग का एनवायरमेंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा होता है वो आ रहा होता है राउटर आईडी का। राउटर आईडी को आप इन शॉर्ट यू समझ सकते हैं कि ये राउटर की जो है, किसी भी जो OSPF का राउटिंग एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ये राउटर की आइडेंटिटी होती है। इससे आप राउटर, जो राउटर्स हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम R1 R2 तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब हम लिख रहे होते हैं तो वो भी ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, ताकि यूजर को पता चल सके कि अब मैं काम कर रहा हूँ तो ये हेडक्वार्टर्स का राउटर है, ये ब्रांच राउटर है, ये VPN का है, ये इंटरनेट का है, या ये एग्जीक्यूटिव्स का है, या ये फलां कैंपस का है। हमने आइडेंटिकल कर दिया। जो राउटर्स हैं वो एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस, ठीक है ना। हर राउटर को जो है ना हमने एक राउटर आईडी देनी है। वो राउटर आईडी बेसिकली तौर पर होगी क्या, आईपी एड्रेस ही होगा। अब आप उसको नॉर्मल इंटरफेसेस में से सेलेक्ट करवा लें या इंडिविजुअली उस राउटर पर क्या कर दें, इंप्लीमेंट कर दें। तो जब कभी भी ये राउटर्स आपस में पैकेट एक्सचेंज करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि जी जब पैकेट दूसरे राउटर के पास जाएगा वो कहेगा अच्छा ये पैकेट किसने भेजा है, R2 ने भेजा है, ओके किसके पास आया, R1 के पास आया। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, लेकिन जब राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन होगी तो जब पैकेट आएगा तो वो कहेगा अच्छा जी ये कहाँ से आया, ये आया जी 1.1.1.1 से, 1.1.1.1 क्या है, एक आईपी एड्रेस है, लेकिन मैंने किसके तौर पर यूज कर लिया है, राउटर आईडी के तौर पर यूज कर लिया है। तो राउटर आईडी हमने लाजमी कॉन्फिगर करनी है OSPF के एनवायरमेंट के अंदर। अगर हमने कॉन्फिगर नहीं की तो क्या होगा, तो मामला कहां चला जाएगा, ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा। और क्योंकि OSPF स्मार्ट है, वेल डेवलप प्रोटोकॉल है, मेच्योर है, हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, वो कहता है जी अगर आपने मुझे कमांड नहीं दी, ठीक है ना, पहली तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कमांड दे देते, और कमांड जो नाम है वो देने के लिए हमारे पास कमांड मौजूद थे, राउटर डैश आईडी, ये बोल्ड के अंदर स्क्रीन पर मेंशन भी है, ठीक है ना। और आगे मैंने आईडी लिख दी, अब मैंने 1.1.1 लिख दिया, 2.2. व्हाटएवर, जो भी मेरे पास अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो थी, मैंने नाम दे दिया। अगर मैंने ये काम नहीं किया, मैंने सुस्ती का मुजाहरा कर दिया, मुझसे रह गया, मैं भूल गया, या व्हाटएवर, मैंने कहा यार बस एक फॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन कर दो और जाने दो, कभी कभार होता है ना कि आप वो लेजीनेस का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन OSPF के अंदर लेजीनेस नहीं है। वो कहेगा इट्स ओके फाइन, अगर आपने नहीं कॉन्फ़िगर की तो मैं क्या करूंगा, तो नंबर टू पे आप देखिएगा लिखा हुआ है द हाईएस्ट कॉन्फ़िगर्ड लूपबैक इंटरफेस इज यूज्ड। तो जो आपने हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस होगा, यानी जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा,
अब हाईएस्ट आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? हाईएस्ट आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस हमारे पास शुरू हो रहा है 1 से और ये जा कहां तक रहा है, 192 तक की सीरीज में जा रहा है, यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में। तो अगर 192 का कोई लूप बैक इंटरफेस चल रहा है तो 192 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। 172 की वैल्यू क्या है? कम है। तो लिहाजा 192 वाली आईपी सेलेक्ट हो जाएगी और वो उसको अपनी राउटर आईडी के तौर पर कंसिडर कर लेगा। इसी तरीके से अगर एक राउटर पर जो है दो इंटरफेसेस, लूप बैक इंटरफेसेस कॉन्फिगर्ड हैं, एक की आईपी डली हुई है 50.0.0.1 और दूसरी की आईपी का डली हुई है 60.0.0.1, तो कंसिडर किसको किया जाएगा? 60 वाली को, हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस। अच्छा जी, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि जी हाईएस्ट आईपी एड्रेस एज ए राउटर आईडी चला जाएगा अगर आपने खुद जहमत न की उसको कॉन्फिगर करने की। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास जो लूप बैक इंटरफेस का है, लैब में भी हम कई दफा इसको जो है ना परफॉर्म कर चुके हैं, आपको इस बारे में बेहतर आइडिया होगा, बट स्टिल जिक्र आया है तो हम एक बार फिर इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप अपने जो राउटर के इंटरफेसेस हैं, फिजिकल इंटरफेसेस मौजूद होते हैं, आप उनको फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्चुअल इंटरफेस मौजूद होते हैं, वर्चुअल इंटरफेस जो एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं लेकिन आप सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको उसकी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क लगी हुई होती है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप मशीन के अंदर, तो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क एक होती है, लेकिन आपको 4 पार्टीशन नजर आते, 6 पार्टीशन नजर आते, तो वो पार्टीशन आप लॉजिकली वर्चुअली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप लॉजिकली तौर पर यहां पर वर्चुअल इंटरफेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये इंटरफेस क्रिएट क्यों करते हैं जब पहले से फिजिकल इंटरफेस मौजूद हैं, तो व्हाई वी नीड लूप बैक इंटरफेसेस। अब जैसे मैंने कहा कि ये वर्चुअल इंटरफेस है, एक ख्याली इंटरफेस है, एक इमेजिनरी इंटरफेस है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया कि जी ये L1 जो है मेरा लूप बैक इंटरफेस, आप इसको कंसिडर कर ले, वो कंसिडर कर लेता है हालांकि वो होता नहीं है। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं सपोज दैट दिस इक्वल्स टू दिस, हम सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब सवाल आता है कि हम ये सेलेक्ट क्यों करते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं कि क्योंकि ये राउटर की क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हमने ऐसी रखनी है कि जिसकी डेथ ना होती हो, जो मरता ना हो, जो हमेशा क्या रहता हो, कीप अलाइव रहता हो, जिंदा रहता हो। अब फिजिकल इंटरफेसेस के साथ एक इशू है, वो इशू ये है कि अगर राउटर टू राउटर दो फिजिकल इंटरफेसेस कनेक्ट थे और अनफॉर्चुनेटली केबल डैमेज हुई, तो वो इंटरफेस क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। अब जब इंटरफेस शट डाउन हुए तो वो इंटरफेस आपने किसके तौर पर लिया हुआ था, राउटर आईडी के तौर पर लिया हुआ था। तो जैसे इंटरफेस शट डाउन होगा तो राउटर समझेगा कि वो अब मेरे पास मौजूद नहीं है। जब वो मेरे पास मौजूद नहीं है तो लिहाजा उसकी राउटर आईडी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है ना। या कभी उस इंटरफेस के अंदर जो आपने दो इंटरफेसेस कनेक्ट किए थे, केबल बिल्कुल ओके है, बट इंटरफेस किसी भी वजह से क्या हो गया, खराब हो गया। तो जनरली जिस पर हमारी कोर कॉन्फ़िगरेशंस इंप्लीमेंट करती हूँ, अब ये कोर कंपोनेंट है कि राउटर की आइडेंटिटी हमेशा रहनी चाहिए, तो वो हमेशा फिजिकल इंटरफेस से नहीं रहती, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस अप भी होते हैं, फिजिकल इंटरफेस डाउन भी होते हैं, फिजिकल इंटरफेसेस डैमेज भी होते हैं, केबल की इश्यूज भी आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मसले आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रिफर नहीं करते, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप किसी फिजिकल इंटरफेस की आईपी को राउटर आईडी के तौर पर यूज कर लें। तो हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जब तक राउटर जिंदा रहेगा तब तक जो है राउटर आईडी आपके पास वही स्टेटिक रहेगी। तो पहली कंडीशन कि आप खुद इंप्लीमेंट कर दें, दूसरी कंडीशन कि आप लूप बैक इंटरफेस ले लें, और तीसरी कंडीशन अगर आपने लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं किया, एक और सुस्ती दिखाई आपने, ठीक है ना, तो राउटर क्या करेगा, राउटर ये अज्यूम करेगा कि जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेसेस में से जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वही मेरा क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा, मैं उसी को समझ लूंगा कि ये मेरा नाम है और इसी नाम से मुझे नेटवर्क के अंदर जाना और पहचाना जाएगा। तो वो जब कभी भी दूसरे राउटर से बात करेगा तो वो उससे कहेगा कि हेलो मिस्टर 192.168.0.1, आई एम हियर
टू क्रिएट अ नेबरिंग रिलेशनशिप विद यू. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है राउटर आईडी का. बारह ये देखिएगा जी, राउटर आईडी की कमांड ऊपर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है जी. ये हम जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, पहले भी हमने लैब्स परफॉर्म किए और डेफिनेटली ये लैब्स ही हम परफॉर्म करेंगे. तो सबसे टॉप पर आप देखें कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, राउटर OSPF 10, और फिर हमने राउटर आईडी क्या कर दी, 1.1.1.1. अच्छा, ये हमने देखना है अगेन. अब क्योंकि हम प्रैक्टिकली तौर पर इस ट्रेनिंग के अंदर जा चुके हैं, सो लिहाजा अब आपने हर एक चीज को कोर्स कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है. नाउ यू हैव टू बी एक्टिव रिलेटेड टू द इंडस्ट्री सिनेरियोस, ठीक है ना. अब आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. तो ये हमने 1.1.1.1 राउटर आईडी दे दी है, लेकिन जब आपका नेटवर्क बनेगा तो आपने एक इंडिविजुअल कैटेगरी डिफाइन कर देनी है, ठीक है ना. यार ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना किसी भी सबनेट का, ये हमेशा किसके तौर पर यूज होगा, राउटर आईडी के तौर पर यूज होगा. जैसे लेट से मेरी आईएसपी के अंदर चल रहे थे 20 सबनेट्स, अज्यूम कर लेते, ठीक है जी, 20 सबनेट्स चल रहे थे और मेरे पास राउटर्स भी कितने चल रहे थे, 20 राउटर्स चल रहे थे. एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हम इस सिनेरियो को, आगे जाके फिर हमने उसको मजीद कॉम्प्लेक्स करना है, ठीक है ना. अब 20 सबनेट्स हैं, 20 राउटर्स हैं, ठीक है. तो मैंने ये लॉ बना दिया अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि हर सबनेट की जो पहली आईडी होगी, जो पहला आईपी एड्रेस होगा, वो हमेशा किसके तौर पर यूज होगा, राउटर आईडी के तौर पर यूज होगा. कानून बन गया, कानून पास हो गया, दैट्स ऑल फिनिश, ठीक है ना. तो मैं इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है ये इंडस्ट्री के अंदर हो रही होती है, पहले से डिफाइन स्टैंडर्ड होता है. क्यों, इसलिए ताकि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसके अंदर क्या आ सके, कंसिस्टेंसी आ सके. अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप किसी सबनेट का जो है आपने पांचवा आईपी एड्रेस उठा लिया, किसी सबनेट का आपने दसवां उठा लिया, किसी का बीसवां उठा लिया, किसी का पचासवां उठा लिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेड नहीं होती है. डॉक्यूमेंटेशन आप हमेशा प्रॉपर वे में करते हैं ताकि बाद में जब आप ट्रबल शूटिंग की तरफ जाएं, जब आप डॉक्यूमेंटेशन को समझने की तरफ जाएं, तो आपके लिए उन चीजों को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, आसान होता है. दूसरी चीज ये है कि आईएसपी के अंदर कई प्रोफेशनल्स आते भी हैं, कई प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जाते भी हैं. तो आपने उस आईएसपी के अंदर फॉर अ लाइफ टाइम नहीं रहना है, तो आपने आने वाले जो बंदे हैं उनके लिए एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके. आप जो है ये पीछे प्रूफ छोड़कर जाएं कि इससे पहले जो नेटवर्क जो लोग ऑपरेट कर रहे थे, दे आर प्रोफेशनल्स, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड क्या थे, प्रोफेशनल थे. तो इस तरीके का काम आपने लाजमी करना है, ठीक है जी. अच्छा, जब हमने राउटर आईडी की कमांड दे दी है तो फिर हमने शो आईपी प्रोटोकॉल्स करवाया ताकि हम देखें कि जो कमांड, जो राउटर को हमने नाम दिया था, अब उस पर वो रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं दे रहा. तो मैंने लिखा शो आईपी प्रोटोकॉल्स और उसने नीचे मुझे बता दिया यस, राउटर आईडी इज 1.1.1.1. ओके जी, तो आई होप दैट कि जी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा. मॉडिफाइंग द राउटर आईडी, आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको कोई नई जो है वो आईपी एड्रेस बाद में रखना है, तो आप सेम उसी प्रोसेस से जाएंगे, राउटर OSPF 10, देन राउटर डैश आईडी, और आगे क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे. जो भी राउटर आईडी होगी 192.168.10.5 डली हुई थी, जो ओरिजिनल आईडी थी, बाद में आप चेंज करना चाहते हैं, आप क्या कर दो, उसको चेंज कर दें. चेंज करेंगे तो राउटर थोड़ा सा सिंकिंग में क्या लेता है, टाइम लेता है. उसकी जो मेमोरी है वो कॉल होने में क्या लेती है, टाइम लेती है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक नई कमांड दे देते हैं. हम कमांड उसको देते हैं क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस, ठीक है. ये कमांड क्या करती है, ये कमांड उसको कहेगी भाई इससे पहले जो था ना उसे भूल जा, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर, तेरे पास कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई है. क्या इंफॉर्मेशन आई है, कि अब आपकी जो आईडी थी वो 192.168.10.5 से चेंज होकर क्या हो गई है, 1.1.1.1 हो गई. Although कुछ वक्त के बाद उसको चेंज करेगा, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, लिहाजा हमने कहा जी क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस. तो जब हम ये कर देते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. बहरहाल अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लैब की परफॉर्मेंस के दौरान भी उसको जो है ना रिप्लाई दे देंगे उसमें. बहरहाल ये कमांड्स आपने सारी की सारी जो है ना लाजमी माइंड में रखनी है.
मैं कभी कमांड्स को याद करने का नहीं बोलता क्योंकि मैं इतनी ज्यादा लैब्स के सिनेरियोज स्टूडेंट्स को दे रहा होता हूँ कि जिब्रान जो है वो अक्सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह देता है कि सर इस टाइम जो है ना मैंने 10 लैब्स परफॉर्म की हैं और 2 लैब्स मेरी जो है ना रिमेनिंग है, या मैंने 8 लैब्स परफॉर्म कर लिए हैं, 2 जो है मेरी रिमेनिंग है। तो उसका रीजन ये होता है कि आपको चीजें याद ना करनी पड़े। जैसे मैथ्स बाय प्रैक्टिस होती है, इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर आईटी की इंडस्ट्री आपको बाय प्रैक्टिस क्या रखती है, जिंदा रखती है। तो मेरे लैब सिनेरियोस कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, मैं पहले सिंपल लैब्स देता हूं, फिर उसके बाद सबको पता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड लैब्स होती हैं, सिनेरियोस उनके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और एलएमएस पर वो सारी लैब्स भी जो है ना अपडेटेड होती हैं। तो आपने लेकिन कमांड में याद करना किस हवाले से कहता हूं, मैं इस हवाले से कहता हूं कि एक कमांड आपके सामने आए, आपको पता हो क्या कमांड करती क्या है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कमांड का याद रखना या उसका सिंटैक्स का याद रखना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो कमांड आप राउटर से निकाल लेंगे, क्वेश्चन मार्क देके वो कमांड कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, नहीं होगा तो क्या कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कमांड का पर्पज है उस पर आपकी सर्टिफिकेशन की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की क्या रखी जाती है, बेस रखी जाती है। सो लिहाजा इनको लाजमी याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। ओके, यूजिंग द लूप बेक इंटरफेसिस, ठीक है ना, आप देखें यहाँ पर इस कमांड के थ्रू जैसे हम नॉर्मली क्या करते थे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 आईपी एड्रेस, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देंगे इंटरफेस लूप बैक 0, ठीक है ना, लूप बैक 0 से हमने स्टार्ट किया, हम लूप बैक 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर सकते थे आपने, और नीचे हमने क्या दे दिया उसको, आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1.1 और सबनेट मास्क देके हमने एंड कर दिया। तो ये हमने उसको बता दिया कि जी ये लूप बैक इंटरफेस के तौर पर आपकी आईपी आ गई। तो यानी जब लूप बैक इंटरफेस कॉन्फिगर होगा तो राउटर जिस पर ओएसपीएफ चल रहा है वो स्मार्ट हो जाएगा, उसको पता होगा कि जी जब लूप बैक आ गया है तो मुझे फिजिकल को नहीं पूछना है। अगर मुझे नेटवर्क इंजीनियर्स ने मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दिया है तो मैं फिर जो लूप बैक इंटरफेस है उसको भी क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो कानून को समझिएगा, पहला नंबर वन लॉ क्या है, वो नंबर वन लॉ ये है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट मैन्युअली द राउटर आईडी, ठीक है ना। अगर वो नहीं किया है तो फिर फिजिकल की बारी आती है, उसकी लूप बैक की बारी आती है, और लूप बैक अगर नहीं किया तो फिर फिजिकल हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, राइट नाउ मूव। अच्छा जी, ये हम फिर अब जब हमने राउटर ओएसपीएफ 10 कर दिया, वट एवर मैंने एक्स का नंबर मेंशन कर दिया है कि जी अकॉर्डिंग टू योर लैब सिनेरियो और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपकी कंपनी के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा होगा या जो ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी चल रही होगी उसको आपने लेना है। उसके बाद हर राउटर क्या करेगा, हमने उसको इस कैपेबल करना है बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि हमने EIGRP के अंदर किया था, कि यहां पर हमने क्या करना है, हमने वो तमाम के तमाम नेटवर्क्स अनाउंस कर देने हैं विद इन द ओएसपीएफ। क्यों? क्योंकि जब ओएसपीएफ अपना पैकेट बनाएगा, कौन सा पैकेट, LSU का, लिंक स्टेट अपडेट का पैकेट, ठीक है ना, जिसके अंदर वो सारी की सारी अपडेट्स डालेगा, ठीक है जी। तो वो पैकेट बनाएगा इन कमांड्स की हेल्प से, कि हम उसको बताएंगे कि जी ये वाला नेटवर्क भी चल रहा है, ये वाला नेटवर्क भी चल रहा है, ये वाला नेटवर्क भी चल रहा है। तो वो पैकेट बनाते वक्त उन तीनों चारों पांचों इंटरफेसेस को उठाएगा और फिर अपने नेबरिंग राउटर्स के साथ शेयर कर देगा। तो सबसे पहले राउटर ओएसपीएफ 10, फिर आ जाएगी नेटवर्क की कमांड, फिर नेटवर्क, और फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा और फिर एरिया आईडी आ जाएगी, यानी हमारे पास एरिया 0 आ जाएगा और कमांड हमारी कंप्लीट होके हम एंटर कर देंगे तो राउटर पर जो है ना वो इंटरफेसेस ऑटोमेटिकली तौर पर ओएसपीएफ की एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाना शुरू कर देंगे। अगर आप R1 की एग्जाम्पल लेंगे तो R1 पर आप देखिएगा इस वक्त चल रहे हैं टोटल 3 इंटरफेसेस, एम आर राइट जी, बिल्कुल 3 इंटरफेसेस हमारे पास जो है वो R1 पर चल रहे हैं, इसी तरीके से 3 हमारे पास जो है R2 पर चल रहे हैं और 3 इंटरफेसेस हमारे पास R3 पर चल रहे हैं। तो जैसे हमने वहां पर नेटवर्क एडवर्टाइज करवाए थे, यहाँ पर भी हम नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे और इस प्रोसेस को मजीद एक्टिवेट करेंगे। अच्छा जी, अब ये प्रीवियस जो है ना, इससे पहले जब हम EIGRP को इम्प्लीमेंट करते थे तो हम यूज करते थे सबनेट मास्क, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया वाइल्ड कार्ड मास्क, समझ लेते हैं जी। देखें, जब हमने शुरू में मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया था, मॉड्यूल 1 के अंदर हमने स्टडी की थी
लेयर थ्री के अंदर आईपीवी फोर को, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि सबनेट मास्क को लिखने के दो तरीके, एक तो हमारे पास क्या है 255.255.255.0, समझ जाएगा ये सबनेट मास्क है, नहीं तो स्लैश क्या कर दें 24, विच इज कॉल्ड प्रीफिक्स लेंथ, ठीक है ना। सबनेट मास्क वहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। अच्छा ये तीसरी शक्ल भी हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क ही की है, लेकिन जब हम वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज करते हैं तो राउटर का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना वो फास्ट हो जाता है। कैसे फास्ट होता है अभी देखिएगा, पहले समझ लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड मास्क निकल कर कैसे आता है ताकि हमारी मुसीबत क्या हो जाए वो दूर हो जाए, हम उस प्रॉब्लम को क्या कर जाए समझ जाए। तो वाइल्ड कार्ड मास्क को निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट जो है वो एड्रेस होना चाहिए, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास जो सबसे बड़ा एड्रेस होगा वो सबसे ऊपर मेंशन है 255.255.255.255, यानी फोर ऑक्टेट्स के अंदर कंप्लीटली फिल्ड होंगे और वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाएगा या ब्रॉडकास्ट मास्क कहलाएगा। अब इसमें से आपने क्या निकालना है, वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि ब्रॉडकास्ट में से आप क्या निकाल दें, सबनेट मास्क को माइनस कर दें। ये देखिएगा यहां पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से समझाया भी है, ठीक है जी। सबनेट मास्क को जब आप माइनस कर देंगे तो वो निकल कर क्या आ जाएगा, जो निकल कर आने वाला रिजल्ट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। ये बिल्कुल सबनेट मास्क के रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा इससे ये होता है कि हमारा जो राउटर का प्रोसेसिंग टाइम है ना वो टाइम कम हो जाता है। कैसे, अगर आप सबनेट मास्क को पढ़ेंगे तो सबनेट मास्क के अंदर आईडीज कितने ऑक्टेट स्टडी करने पड़ेंगे जी, अगर मैं सबनेट मास्क को किसी राउटर से स्टडी करवाऊंगा तो वो कितने सबनेट्स को स्टडी करेगा, कितने ऑक्टेट्स को स्टडी करेगा, वो स्टडी करेगा 3 ऑक्टेट्स को, क्योंकि तीनों ऑक्टेट क्या हुए हुए हैं, फिल हुए हुए हैं, और फिर कहाँ आएगा लास्ट ऑक्टेट की तरफ, और लास्ट ऑक्टेट की तरफ उसको आके पता चलेगा कि ओके इट्स अ क्लास सी, राइट, जो प्रीफिक्स लेंथ 24 है वो किसकी है, क्लास सी की है। तो राउटर 3 ऑक्टेट पढ़ने के बाद ये समझता है, ये रिजल्ट निकालता है कि इट्स अ क्लास सी सबनेट मास्क, ठीक है, निकाल लिया उसने। अब इसमें टाइम तो कम लगता है लेकिन इससे भी फास्ट तरीका हम लेकर आए, और वो तरीका था हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क का। वो क्या करता है, वो कहता है जी पहली वैल्यू क्या है, 0 इग्नोर, दूसरी क्या है, 0 इग्नोर, तीसरी क्या है, 0 इग्नोर, चौथी वैल्यू क्या है 255, तो इसका मतलब है कि आखिर का ऑक्टेट क्या हुआ है, एक्टिव हुआ है, तो ये चल रहा है क्लास सी। तरीका वही था, ठीक है ना, कि हमें मालूम क्या करनी थी, क्लास मालूम करनी थी, क्लास ए है, बी है, सी है। अब उसके लिए हमने तरीके दो निकाल लिए, एक तरीका सबनेट मास्क का था और दूसरा तरीका किसका था, वाइल्ड कार्ड मास्क का था। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का तरीका क्योंकि राउटर को एफिशिएंट कर देता है, और ऐसी कोई भी चीज जिससे राउटर की परफॉर्मेंस क्या होती हो, बढ़ती हो, उसको इंडस्ट्री बहुत आसानी से वेलकम करती है। अच्छा जी, दूसरा सबनेट मास्क जो है, अगेन हम निकालते हैं कि एक सबनेट मास्क हमारे पास था 255.255.255.192, ठीक है जी, ये सबनेट मास्क था। अब हम इसको माइनस किया तो अब आप देखें कि पहले कितनी ज्यादा वैल्यू स्टडी करनी पड़ रही थी और नीचे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, 0.63, यानी शुरू के तीनों ऑक्टेट खत्म, लास्ट की कितनी जो है ना, लास्ट ऑक्टेट के अंदर आपने कितनी वैल्यूज को स्टडी करना है, 63, रिजल्ट जल्दी निकल कर आता है। तो रिजल्ट के फास्ट होने की वजह से हम जल्दी कैलकुलेट कर जाते हैं और जल्दी डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मास्क बहरहाल ये वंस और जीरोस की कहानी है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं कि जीरोज आ गए हैं, जितने भी जीरोज आ गए हैं उनको उनको आंखें बंद करके काउंट करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर देम, तो वो इग्नोर करके चला जाता है, ठीक है जी। हियर इज द थिंग, ये देखिएगा कि हमने वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया है, और वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो हमारे पास मेथड नंबर 1 के अंदर इंप्लीमेंटेड है, और इससे रिजल्ट्स हमारे पास बहुत आसानी से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे R1 के अंदर, तो R1 में हमने इंप्लीमेंट किया है जो वाइल्ड कार्ड मास्क, उसको हमने यूज किए 0.0.0.3, यानी आखिर की जो दो बिट्स थी प्रीफिक्स लेंथ हमारे पास क्या चलेगी, 30 चलेगी। ये देखें जी, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, इसी वजह से मैंने R1 को सर्कल करवाया ताकि मैं बता सकूं कि कॉन्फ़िगरेशन किसकी चल रही है, ठीक है ना। अब दूसरा नेटवर्क ये रहा,
3.0 का नेटवर्क कहाँ चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना। अगर इसको मैं सबनेट मास्क की कंडीशन में लिखता तो सबनेट मास्क की कंडीशन में ये सिलसिला क्या हो जाता, आए देखते हैं उसको, कोई मसला नहीं। अगर प्रीवियस नहीं समझ में आया तो अब आपने मुझे रिस्पॉन्स दे देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि जी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर ये सबनेट मास्क होता तो ये सिलसिला क्या चलता, ये सिलसिला चलता 255.255.255. जी मैं नहीं लिखूंगा, मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क को निकालने का तरीकेकार क्या है, और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि जी हमारे पास सिलसिला क्या चल रहा है। तो वो आपके पास जो है ना 252 वाले मामला चल रहे होंगे, तो वहां से आईपी को कैलकुलेट करना, सबनेट मास्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो आई होप दैट कि जी अब हमें जो है ना ये वाइल्ड कार्ड मास्क के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल अगर होगी भी तो हम इंशाल्लाह लैब के अंदर उसको फिर भी कवर करेंगे। अच्छा जी, अब देखें जी, ये हमारे पास पहला तरीका आ गया, मेथड नंबर वन, और इंडस्ट्री के अंदर काम भी इसी तरीके से चल रहा होता है और हम इसी तरीके को फॉलो करते हुए चीजें रिजल्ट्स क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। जो दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लैब एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरीके को यूज कर रहे होते हैं तो मैं जो है ना उसको अलाउ कर देता हूं, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल वो जान छुड़ाने वाली बात होती है कि आपने सबनेट मास्क बताया ही नहीं है। अब जब आपने सबनेट मास्क नहीं बताया, वाइल्ड कार्ड मास्क आपने सारा का सारा जीरो कर दिया है, तो फिर अब राउटर को थोड़ी सी खुद जान लगा के वो जो वैल्यूज कॉन्फिगर्ड है उनसे वो रिजल्ट क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो जनरली हम जो फर्स्ट मेथड है उसी को यूज करते हैं, हालांकि इंडस्ट्री के अंदर दोनों प्रेफर्ड मेथड हैं, दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैसिव इंटरफेस का। अच्छा, ये वाला जो मामला था प्रीवियस वाली स्लाइड, जब ये कमांड्स आप तीनों राउटर्स पर दे देंगे तो बिल्कुल जैसे हमने EIGRP के अंदर देखा था कि नेबरिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते थे, राउटर्स एक दूसरे को अपडेट भेजना शुरू कर देते थे, तो ऐसा ही सीन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों राउटर्स जो है ना अपनी अपनी पैकेट्स बनाकर LSDBs के पैकेट्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठक 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 सब राउटर्स अपने आप को अपडेट करेंगे, डेटाबेस सिंक करेंगे, और जो OSPF का राउटिंग एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और आप उसको स्मूथली क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो अब आता है जनाब पैसिव इंटरफेस को समझने का कॉन्सेप्ट। अच्छा, जनरली क्या होता है कि अब जो राउटिंग अपडेट्स हैं उसकी जरूरत किसको होती है, राउटर्स को होगी डेफिनेटली। अब R1 सामने किससे कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है, और साइड पर किससे कनेक्टेड है, R3 से कनेक्टेड है, लेकिन कुछ एरियाज को मैंने क्या किया हुआ है, सर्किल किया हुआ है। अब ये वाले एरियाज क्या है, ये वो वाले एरियाज है जहां पर स्विचेस कनेक्टेड है, यानी जाहिर सी बात है ये हर ऑफिस का अपना एंड चल रहा होगा, और आपको पता है कि राउटर के बैक एंड पर क्या चल रहे होते हैं, स्विचेस चल रहे होते हैं, और उन स्विचेस से हमारी एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है, राइट। तो अब जो राउटिंग अपडेट्स है उनकी जरूरत राउटर्स को है, स्विचेस को तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तमाम इंटरफेसेस जिधर जिधर राउटर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, पहला रीजन सुन लीजिएगा पैसिव इंटरफेस का, ऐसे तमाम इंटरफेसेस जहां पर राउटर्स कनेक्टेड नहीं है उनको बराए मेहरबानी किसके तौर पर कॉन्फिगर कर दें, पैसिव इंटरफेस के तौर पर कॉन्फिगर कर दें। जब वो पैसिव इंटरफेस के तौर पर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो OSPF को पता चल जाएगा कि भाई इस इंटरफेस पर मुझे अपडेट भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे बता रहे कि आई एम अ पैसिव इंटरफेस, ठीक है। तो ये वाला तरीका जो है ना आपके राउटिंग एनवायरनमेंट को मजीद क्या कर देता है, स्मार्ट कर देता है, कि वो बिला वजह अपडेट स्विच के पास जाएगी, स्विच ने जाके उसको क्या कर देना, इग्नोर ही कर देना है, क्योंकि उसके पल्ले तो कोई नहीं पड़ने लगी, ठीक है ना, तो वो इग्नोर कर देगा। तो पहला सिनेरियो कि जिन इंटरफेसिस पर भी स्विचेस कनेक्ट होंगे उन इंटरफेसिस को आपने पैसिव इंटरफेस के तौर पर कॉन्फिगर कर देना है ताकि वहां पर राउटिंग अपडेट्स ना जाए, ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो क्या आता है, दूसरा सिनेरियो ऐसा सिनेरियो है कि अगर कहीं पर हम ISP से कनेक्टेड हैं, ये आपने मैंने एक एग्जांपल के थ्रू शो करवाया ना कि आगे मेरे पास किसका राउटर कनेक्टेड है, ISP का कनेक्टेड है। अब ISP के राउटर जो है ना वो मेरे लिए डिफॉल्ट गेटवे के तौर पर काम करते हैं, और डिफॉल्ट गेटवे को हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, एंड मैं अब नहीं जाऊंगा उसकी तरफ कि जी क्या पर्पज होता है उसका। ओके जी,
तो आईएसपी का राउटर हमारे लिए किसके तौर पे काम करता है, गेटवे के तौर पर। वो कहता है कि जी अगर आपको इंटरनेट पर जाना है ना तो आप पैकेट मुझे भेज दें, मैं आपके पैकेट्स को कहाँ भेज दूंगा, इंटरनेट पर भेज दूंगा। इसका मतलब है कि आईएसपी का राउटर मेरे नेटवर्क का राउटर नहीं है। जब मेरे नेटवर्क का राउटर नहीं है तो मुझे उसको अपडेट देने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं उस इंटरफेस को भी एहतियातन पैसिव इंटरफेस के तौर पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा, वरना मेरा जो राउटर है वो स्मार्ट है बट उस पर जब प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा ना, वो कहेगा सारे सब इंटरफेस पर फेंक दो, उसमें ये सेंस नहीं है कि किधर इंफॉर्मेशन भेजनी है किधर नहीं भेजनी है। उसने कहा मुझे बुलाया है ना भाई, तो मैं तो अनाउंसर हूं, ठीक है ना। जब डीजी आ जाता है तो वो फिर क्या करता है, अनाउंस करता है, ठीक है ना। उसको जो भी प्रोग्राम आप लिख के दे देंगे वो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम क्या कर देगा, अनाउंस कर देगा। अब अगर कोई गेस्ट नहीं आया है, अगर कोई गेस्ट नहीं आया है तो आपको जाके डीजे को बताना पड़ेगा, ठीक है ना, या जो आपका एंकर है या जो आपका प्रोग्राम होस्ट है आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला गेस्ट नहीं आया है, लिहाजा अपनी लिस्ट में से इसको क्या कर दें, निकाल दें। तो आपको जो होस्ट होगा, जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होगा, वो उसको क्या कर देगा, उस जो गेस्ट है उसकी उसको कॉल नहीं करेगा या उसका नाम अनाउंस नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि राउटर को हमने बता दिया नेटवर्क ये है, वो कहेगा ठीक है जी सबको बता दो। तो यहाँ जिनको नहीं बताना है उनको हम क्या कर देते हैं, जैसे हम दोस्तों में बात कर रहे होते हैं, क्या तुझे बता रहा हूँ काइंडली अगर किसी को बताना तो बताना, उस बंदे को ना बताना ये बात, ठीक है ना। तो वो बंदा जो है ना हमारे लिए पैसिव इंटरफेस के तौर पर आ जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे पास पैसिव इंटरफेस का है। कमांड आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, बहुत सिंपल आसान कमांड है। R1 की एग्जाम्पल हमने ली है, राउटर OSPF 10 का प्रोसेस है और हमने कमांड दिए पैसिव डैश इंटरफेस। और कौन सा इंटरफेस है, गीगा इथरनेट है। इंटरफेस का सीरियल नंबर क्या है, 00 है, ठीक है ना, ये चल रहा है जी 00, ये देखिएगा ये आ गया 00। तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कमांड भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं जी, OSPF की मैट्रिक क्या है, हमने डिटेल डिस्कस किया, फिर हम बात कर लेते हैं कि जी मैट्रिक क्या है, क्योंकि मैट्रिक से एक और चीज हमने निकालनी है जो भी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। मैट्रिक बेसिकली तौर पर जो OSPF कंसिडर करता है वो कहते हैं जी कॉस्ट। कॉस्ट को मैंने अगर एक नए स्टूडेंट को समझाना है, एक नए प्रोफेशनल को समझाना है, या यूं समझ लें कि मैंने एक बिल्कुल एक आदमी जो नॉन टेक्निकल है, ठीक है ना, उसको समझाने की यार कॉस्ट क्या होती है, तो मैं उसको कहता हूं कि भाई जो OSPF है ना वो रास्ता देखेगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी। तो कॉस्ट के बिहाइंड सीन क्या चल रहा है, बैंडविड्थ चल रही है, लेकिन क्योंकि बैंडविड्थ का वर्ड EIGRP ने यूज किया हुआ था, लिहाजा जो ओपन स्टैंडर्ड वाले थे उन्होंने कहा लेट्स समथिंग जो है ना एक रिमेक्स वर्जन निकाल दो उसका। वो रिमेक्स वर्जन के चक्कर में उन्होंने एक नया नाम रखा और वो था कॉस्ट, ताकि हम EIGRP से खुद को क्या कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। हालांकि मैं ये बात बार हाल कर चुका हूं कि जो डिसीजन मेकिंग है बेस्ट पाथ की सिलेक्शन का, वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, EIGRP का है, ठीक है ना। ऑल्दो वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है ना, लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में मैं किसी एल्गोरिथम को टॉप प्रायोरिटी दूंगा तो वो डेफिनेटली EIGRP का है, और आप उसको पढ़कर भी आ चुके हैं, ठीक है जी। तो खैर बात चल रही थी OSPF के मैट्रिक की, तो मैट्रिक इज इक्वल्स टू कॉस्ट एंड कॉस्ट इज इक्वल्स टू अगेन बैंडविड्थ, के वो जी रेफरेंस बैंडविड्थ लेता है और वो फॉर्मूला लगा के कॉस्ट निकाल कर ले आता है। जिस इंटरफेस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी यहां पर आप देखें 10 गीगा तो कॉस्ट क्या पड़ रही है, 1 गीगा तो 1, अगेन 100 Mbps तो फिर क्या पड़ रही है, 1 पड़ रही है, फिर 10 Mbps तो फिर कॉस्ट क्या हो गई, 10 हो गई। अच्छा 1.5 Mbps आया तो कॉस्ट क्या हो गई, 64 हो गई। 128 Kbps आया तो कॉस्ट क्या हो गई, 781 हो गई। तो एक चीज हमने देखी कि जैसे जैसे बैंडविड्थ कम होती चली जा रही है, कॉस्ट की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो लोएस्ट कॉस्ट हमेशा क्या मिलेगी, उसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि वो लिंक सबसे ज्यादा स्पीडी है और जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं कॉस्ट के अंदर वो सबसे ज्यादा सुस्त है। वो बता रहा है कि जी मेरे पास जो है ना आप नहीं आइएगा, क्योंकि मेरे पास आएंगे तो मैं आपको रुला के रख दूंगा, ठीक है ना। तो जितना हायर एंड का इंटरफेस होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और जैसे जैसे हमारे पास इंटरफेस की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, कम होती
चली जाएगी, यानी गीगा इथरनेट को देखूं मैं और 10 Mbps को देखूं, या 10 Mbps को देखूं और 100 Mbps को देखूं, कंपेयर करूंगा तो कॉस्ट में वाजे फर्क आ जाएगा। 100 Mbps की जो कॉस्ट है वो 1 है और 10 Mbps की कॉस्ट क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो इसका मतलब है जब OSPF डिसीजन लेगा तो वो देखेगा एक इंटरफेस की वैल्यू आ रही है 10, दूसरे इंटरफेस की वैल्यू आ रही है 1, तो इसका मतलब है कि 1 वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 वाला कह रहा है कि मैं 1 के मुकाबले में 10 गुना स्लो हूं, 10 टाइम्स जो है मैं स्लो हूं। तो वो कहेगा नहीं भाई, 10 टाइम्स तो बहुत होता है, ठीक है ना। अब इस तरह से वो क्या करेगा, अगर 10 Mbps वाले को कंपेयर करेगा 1.5 Mbps वाले से, तो कहेगा ये कितना है 10 और दूसरा क्या है 64। नहीं, अब मेरे पास ये दो रास्ते हैं जाने के लिए। पहला रास्ता क्या है, उसकी कॉस्ट निकल कर आ रही है 10, दूसरे की कॉस्ट निकल कर आ रही है 64, तो मुझे 10 वाले को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 64 वाला सुस्त है, स्लो है, लेजी है, उसकी बैंडविड्थ ज्यादा नहीं है। दैट्स ऑल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये रहा OSPF ना, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, स्मार्ट है जी, खुद कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाद में चेंज करना चाहें क्योंकि इंटरफेस की स्पीड कम हुई या ज्यादा हुई, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं रिकमेंड नहीं करता। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, मैं अगेन बार बार ये चीजें वेरीफाई कर रहा होता हूँ कि भाई जो राउटर के इंटरफेस की डिफॉल्ट स्पीड है ना, वो स्पीड डिफॉल्ट मत रहने देना। हो सकता है कि सामने वाली ISP से आपने जो कनेक्शन है वो 10 Mbps का लिया हो और आपका लिंक जो है वो 1 GB का चल रहा है, तो राउटर डिसीजन किस पे लेगा, कनेक्टेड वैल्यू पे लेगा। कनेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, वो बता रहे कि जी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस जो है वो 1 GB का है, हालांकि स्पीड कितनी आ रही है 10 Mbps आ रही है। तो एक्चुअल बैंडविड्थ की कमांड है इसकी, उसके थ्रू हम मैनुअल इंप्लीमेंट करते हैं। बट अगर आपने अगेन मैनुअल इंप्लीमेंट नहीं किया है तो OSPF क्या करेगा, कैलकुलेट, वो फिर कहता है जी मैं सबसे ज्यादा सयाना हूं, मैं खुद कैलकुलेट करके ले आऊंगा, तो वो कैलकुलेट करके ले आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अभी देखा, ये देखेगा प्रीवियस ग्राफ में दो वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दो वैल्यूज क्या थी हमारे पास, ठीक है जी, एक वैल्यू थी हमारे पास गीगा इंटरफेस, उसकी वैल्यू क्या चल रही है 1, ठीक है ना। अच्छा दूसरा क्या चल रहा है 1.54, तो उसकी वैल्यू क्या चल रही है 64। तो आगे चलेंगे और ये देखेगा सीरियल इंटरफेस आ रहा है, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी है, और स्पीड क्या चल रही है ऑलमोस्ट 1.5 Mbps चल रही है, और ये 1 GB आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 GB की वैल्यू आएगी 1, और जो 1.54 Mbps है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 64। तो 64 प्लस 1 टोटल जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी 65 निकल कर आएगी। तो राउटर 2 ये कंसिडर करता है कि अगर मुझे R1 के पीछे वाले नेटवर्क पर जाना है तो मेरे लिए टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी 65 कॉस्ट पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से वो क्या करता है, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करता है। अब अगर मैं राउटर 2 को कंसिडर करूं, और ये राउटर 2 कहां जाना चाहता है, R1 के पीछे जाना चाहता है, पीछे वाला नेटवर्क क्या चल रहा है मेरे पास, ठीक है जी। वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो नेटवर्क क्या चल रहा है, तो हमें वैल्यू समझ में आ जाएगी। लेट इट बी क्लियर। अच्छा जी, पिछला जो नेटवर्क है वो ये देखिएगा 172.16.1 चल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर जो है सॉरी, ठीक है जी, हमने अब एग्जाम्पल ले ली कि अब R2 जो है वो 172.16 वाले नेटवर्क पर जाना चाहता है, और उसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट R1 से है, और दूसरा कहां है, पहले R3 के पास जाए, फिर R1 के पास जाए, और फिर उस वाले नेटवर्क से मीट कर जाए। तो दोनों की कॉस्ट निकालेगा। अब देखिएगा यहां की कॉस्ट क्या है, ये देखें तकरीबन 1 Mbps आ रही है, और ये क्या आ रही है 64 Kbps। तो अगर आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो वो यकीनन 65 के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जी ये देखिएगा हमारे पास जो है 128 Kbps की वैल्यू कितनी पड़ रही है, वो ये रही हमारे पास 781। और अगर मैं सिर्फ 64 Kbps निकालूं, जो कि मेरे पास ये चल रही है, ये रही जी 64 Kbps, ठीक है जी, 64 Kbps चल रही है। अब वो कैलकुलेट करेगा, अगर मैं पीछे देखूं तो 64 Kbps का कितना चल रहा है 1562, तो वो कहेगा नहीं भाई सॉरी, ये वाला रास्ता तो बहुत ही स्लो है, मैं यहां से नहीं जाता,
ठीक है ना, मैं कौन सी कॉस्ट निकालूंगा, ये वाली कॉस्ट निकालूंगा क्योंकि ये मुझे कितनी पड़ रही है, 65 पड़ रही है। इसी तरीके से अगर R1 का ये पिछले वाला नेटवर्क कहाँ जाना चाहता है, 172.16.2 पे जाना चाहता है, तो तब भी कॉस्ट क्या पड़ेगी, सेम पड़ेगी, और वो इसी तरीके से कॉस्ट को निकाल के फॉर्मूले को मेजर करता रहता है। तो ये ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ की कमांड होती है, वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन मेरी अपनी जो स्टडी है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसमें ये रिकमेंड करता हूँ, सिस्को भी ये रिकमेंड करता है कि हमेशा जिन चीज़ों पर आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेड है ना, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है सॉरी, तो उसको आप ज़रा परफेक्टली कॉन्फिगर करें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, ये हमारे पास फिर ये ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले से ये सारी वैल्यूज क्या कर रहा होता है, निकाल रहा होता है। हमें इस फॉर्मूले से लेना देना कोई नहीं है, वो कैसे निकालता है, कब निकालता है, क्यों निकालता है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, आप मैथमेटिकल इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जिनको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है, नहीं है तो हमारे लिए इतना जानना काफी है कि OSPF कॉस्ट पर डिपेंड करता है, और वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, वो बैंडविड्थ को लेता है और उसी के बिहाफ पर सारे डिसीजन ले रहा होता है। ये देखिएगा जी, ये कॉस्ट उसके पास लिखी हुई है, हम शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 00 करें या फास्ट इथरनेट करें या गीगा इथरनेट करें, तो जितनी भी बैंडविड्थ होगी वो अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ क्या करेगा, शो करेगा। और जब हम शो आईपी प्रोटोकॉल करें, शो आईपी राउट करेंगे, तो राउट की कमांड के अंदर वो देख रहे हैं सबसे पहले क्या बता रहा है जी, ये वैल्यू किसकी नजर आ रही है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा प्लीज जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके जी, जल्दी 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 जल्दी, हाँ जी ठीक। तो ये दैट्स गुड कि हमारे पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स रखे हुए हैं और हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि OSPF चल रहा है, और OSPF का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो हमारे पास 110 है, और आगे उसकी क्या चल रही है, रिजल्टेंट कॉस्ट चल रही है जिसके बिहाफ पर वो सिलेक्शन लेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है डिफॉल्ट इंटरफेस की जो बैंडविड्थ होती है वो कंसिडर करता है, और मैंने कहा था कि जी आप उन्हें उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्ट में वो क्या ले रहा होता है, तमाम सीरियल इंटरफेसेस के लिए। ये चीज याद रखिएगा कि जितने भी सीरियल इंटरफेसेस होते हैं उनकी बैंडविड्थ डिफॉल्ट के अंदर जो सिस्को के तमाम राउटर्स हैं वो क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, 1.5 Mbps, ये उनका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर 64 Kbps आ रहा है, कहीं पर 1024 Kbps आ रहा है, तो वो आपके लिए ऑटो रेफरेंसिंग की जो प्रॉब्लम है ना वो आपके लिए इशू क्रिएट कर जाएगी, सो लिहाजा आपने उसको एडजस्ट करना है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है जी। ये हमने फिर यहाँ पर मैनुअल देखा, हम सीरियल इंटरफेस 001 पर गए, ठीक है ना, R1 है हमारे पास, सीरियल इंटरफेस क्या चल रहा है, 001 चल रहा है, ये वाला इंटरफेस, ये वाला, ठीक है जी। आई होप दैट कि जी अब सबको नजर आ गया होगा। तो अभी मैंने कहा था कि जो डिफॉल्ट इंटरफेस है वो हमारे पास कितना चल रहा होता है, आई थिंक सो जो डिफॉल्ट है वो हमारे पास 1.54 Mbps चल रहा होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ड्यूरिंग द लैब हम इस चीज को भी वेरीफाई कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो अब अगर बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, 1.54 Kbps चल रहा है, और बैंडविड्थ ओरिजिनली क्या चल रही है, 64 चल रही है, तो बोले ऑटो रेफरेंस बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला था वो प्रॉब्लम कर जाएगा, सो लिहाजा आपने मैनुअली कमांड इंप्लीमेंट कर देनी है और रिजल्ट्स को निकाल लेना है। तो ये हमने मैनुअली कॉस्ट पिछली कमांड में भी खुद बैंडविड्थ की कमांड थी, और हमने कहा बैंडविड्थ कितनी है, 64 Kbps, बैंडविड्थ कितनी है, 1544 Kbps, 1024 Kbps, 1 MB, 10 MB, 1 GB, जितनी भी है वो आप मैनुअली खुद क्या करें, इंप्लीमेंट करें ताकि रिजल्ट्स बेहतर सामने आ सके, ठीक है जी। तो ये आपके सामने आपको बता दिया कि जी ये देखें बैंडविड्थ जो है ना R1 पर ये आ रही है, अगर आप डिफॉल्ट लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो OSPF की कॉस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा। तो फॉर्मूले की तरफ ना जाएं, आप डायरेक्टली क्या करें, बैंडविड्थ लिखें, अपने लिए काम को आसान करें और राउटर के लिए भी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। और OSPF के नेबरिंग रिलेशनशिप्स आपने वेरीफाई करने हैं, तो नेबरिंग रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए एक सिंपल कमांड हम यूज कर रहे होते हैं, हमने लिखा शो IP OSPF नेबर्स, के शो कराओ क्या चीज, IP किसकी, OSPF की, क्या चीज, नेबर्स, ठीक है, उसका नेबरिंग रिलेशनशिप शो करवाओ, R1 पर मौजूद है, और हमें पता है कि R1 पर हमारे पास दो नेबर्स हैं, एक R2 है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, R3 आ रहा है, और दोनों की देखिएगा, मैंने एक की राउटर आईडी जो है ना 111 कॉन्फिगर की, दूसरे की 222 कॉन्फिगर की, तीसरे की 333 कॉन्फिगर की, ऑल दो
ये लैब एनवायरनमेंट है, हमने इंप्लीमेंटेड कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको गाइडलाइंस दे चुका हूं। और आप देखिएगा कि हमने प्रीवियस जो सेशन अभी इससे पहले कंप्लीट किया था उसके अंदर हमने कहा था कि जब राउटर कन्वर्जेंस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है तो वो किस स्टेट के अंदर आ जाता है, वो फुल स्टेट के अंदर आ जाता है। हमने पढ़ा था जी स्टेट्स की रिप्लाई दीजिएगा, राउटर ओएसपीएफ की जो स्टेट्स थी हमने सबसे पहले क्या कहा था, पहले डाउन होगा, फिर इनिशियलाइज होगा, फिर क्या करेगा एक्स स्टार्ट करेगा, फिर नेबरिंग रिलेशनशिप जो एलएसडीबीज है वो एक्सचेंज करेगा, फिर उनको सिंक करेगा और फिर किस में आएगा, फुल स्टेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको देखा फुल स्टेट आउटपुट के अंदर आपको दिखा रहा है कितने टाइम से अप आ रहा है, किस इंटरफेस से कनेक्ट, किस आईपी से कनेक्ट है, किस सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट है, सारी चीजें डिटेल इंफॉर्मेशन। इसीलिए हमने कहा था कि ओएसपीएफ इतना स्मार्ट है कि वो पूरी राउटिंग टोपोलॉजी का क्या बनाता है, मैप बनाता है, बादशाह आदमी है, किंग प्रोटोकॉल है। दिस प्रोटोकॉल नोज दैट कि जी मेरे पास कितने पास अवेलेबल हैं, हाउ मेनी पास राइट नाउ आई हैव, कितने बैकअप पर हैं, कितने प्राइमरी चल रहे हैं, कौन कब कहाँ क्या एक्शन ले रहे हैं, इसको सारा पता होता है। ठीक है जी, शो आईपी प्रोटोकॉल्स करेंगे तो हमें बता देगा कि जी हमारे पास गेटवे कितने चल रहे हैं, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है, राउटर आईडी हमारे पास क्या चल रही है, मैक्सिमम पाथ कितने अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगेन वेरिफिकेशन की कमांड्स है हमारे पास, ठीक है ना, वेरीफाई ओएसपीएफ प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था मल्टीपल प्रोसेसेस चल सकते हैं हमारे पास और बिल्कुल चलते भी हैं कई जगहों पर, जब आप बड़ी आईएसपीज के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहां पर ऐसा होता है, तो उनकी डिटेल निकालनी होती है तो शो आईपी ओएसपीएफ करेंगे तो ये देखिएगा, जैसे आपने शो आईपी ओएसपीएफ किया तो उसने सबसे टॉप पर आपको दिखाया ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी क्या चल रही है, 10 चल रही है और उसकी बाकी की डिटेल ये मौजूद है और ये इतने टाइम से चल रहा है, ये मामलात हैं, ये इसकी राउटर आईडी है, एलएसए टाइप्स नीचे आपको दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो इन डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो याद रखिएगा कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए हैं ड्यूरिंग द लैब ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल लाइफ, वो एक एक स्टेप आपसे क्या करवाएगा, वेरीफाई करवाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कमिटमेंट नहीं करता बल्कि इसके वही रिजल्ट्स होते हैं जो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वेरीफाई ओएसपीएफ इंटरफेसेस, ठीक है ना, कि जी कौन कौन से इंटरफेसेस ऐसे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपके पास एक राउटर चल रहा हो उसके 10 इंटरफेसेस हो, 4 इंटरफेसेस ईआईजीआरपी पर चल रहे हैं, 2 इंटरफेसेस स्टैटिक चल रहे हैं और बाकी जो 4 इंटरफेसेस हैं वो किस पर चल रहे हैं या 6 इंटरफेसेस हैं वो चल रहे हैं ओएसपीएफ पर। तो आपने कहा यार मुझे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ, आप मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे ये बताएं जल्दी क्विकली कि ये जो मेरी आईएसपी का जो टॉप राउटर है जिसके 10 इंटरफेसेस हैं इसमें कितने इंटरफेसेस पर ओएसपीएफ इंप्लीमेंटेड है। अब आप कमांड ढूंढने लगे यार कौन सी कमांड होगी, तो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस ब्रीफ, जब मैं दूंगा तो वो सिर्फ मुझे वो इंटरफेसेस बताएगा जो जिन पर ओएसपीएफ इनेबल्ड है, जिनकी एडवर्टाइजमेंट ओएसपीएफ की रिस्पांसिबिलिटी है। तो ये सारी कमांड्स ट्रबल शूटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि बहुत बेसिक कमांड्स है, मैं फिर कह रहा हूँ बेसिक कमांड्स है, शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स, शो डेटाबेसेस, ये कमांड्स बहुत माइनर होती है, लेकिन जब आप ट्रबल शूटिंग की तरफ जाते हैं तो एक छोटी सी कमांड अगर आप भूल रहे हैं तो उस एक कमांड के पीछे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो लिहाजा कमांड्स पर फोकस रखिएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास थी आज के जो हमारे पास सेशन था उसकी कंप्लीट डिटेल थी। हमने फ्रॉम स्क्रैच ओएसपीएफ के तमाम कॉन्सेप्ट्स को देखा, ठीक है ना, ओएसपीएफ के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इन डिटेल डिस्कस किया है, ओएसपीएफ की पैकेट टाइप्स कितने थे, ओएसपीएफ किस तरह से स्केलेबल है, कितना मेच्योर है, कितना सिक्योर है, कितनी इसके अंदर मैनेजमेंट के फीचर्स अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी ड्रॉ द करेक्टरिस्टिक्स लाइंस, ठीक है जी। और उसके बाद आफ्टर दैट जो है ना सिंगल एरिया ओएसपीएफ के अंदर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है और उसके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे हैं। और आई होप दैट कि जी हमारा कोई ऐसा कॉन्टेंट, कोई ऐसी चीज रही नहीं होगी जो कि हमने कवर ना की हो, बट स्टिल रिमेनिंग। तो आप ईमेल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन जो है ना
वो हम लैब के बाद डेफिनेटली जाएंगे। ओएसपीएफ का वर्जन 2 जो है वो हमने सिंगल एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, नाउ इसके मल्टी एरियाज के कॉन्सेप्ट हमने लेने हैं ताकि हमारी जो नॉलेज है वो सिर्फ सीसीएनए तक जो है वो महदूद ना रहे, बल्कि थोड़ी सी एडवांस नॉलेज भी हमारे पास मौजूद हो ताकि हम इंडस्ट्री के अंदर सुकून के साथ इस सर्टिफिकेशन को लेकर काम कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।